शरीक खवातीन व हज़रात, हमारे अहबाब, आज क्योंकि मजलिस ज़िक्र के अलावा यानी दीगर मसाजिद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ साथी वहाँ की शिरकत के बाद पहुँच जाएंगे, लेकिन किसी दोस्त के देर या सवेर से प्रोग्राम ना अर्ली शुरू होता है ना लेट शुरू होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। प्रोग्राम की नौइयत होती है, टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट, टाइम इज मनी, सेव योर मनी, ऑल्सो टाइम इज फ्लाइंग, टाइम इज बर्ड जस्ट लाइक बर्ड। इस वक्त एक मरतबा हाथ से कोई चीज फ्लाई हो जाए, निकल जाए, इस तरह कांच का ग्लास जो है वो हाथ से गिर गया और टूट गया, फिर वो जुड़ता नहीं। ये भी टाइम बड़ा यानी अहम होता है, इस टाइम को जितना हो सके बेहतर से बेहतर बनाए, अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की थी हजरत अल्लामा फहामा साहिबजादा मोहम्मद रफीक साहिब चिश्ती सयालवी, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में, इनकी साई जमीला में और इनकी काविशों में अल्लाह ताला बरकत और कबूलियत अता फरमाए। आप तशरीफ लाए हैं, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपका यानी बयान हम सुने और उसके बाद अगर कुछ अब लम्हात रह गए तो शॉर्टली जो हमारा एक सिलसिला शुरू है और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने ख़त्म शरीफ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और मैं हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहिब, जो कि जमात अली सुन्नत के नहायत नामवर उलमा में से है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की भी शख्सियत में इलाका लाहौर की मशहूर शख्सियत, और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में अल्लाह ताला ने इनको बरकत अता फरमाई है। चंद लम्हात के लिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं, फिर उस बाद उनका बयान है, तो बयान के बाद इंशाअल्लाह हम अपने मजलिस ज़िक्र की तरफ, जिस तरह रवा दवा वीकली होते हैं, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक होंगे। आपकी आमद से पहले ज़रा मोहब्बत वाला एक नारा लगा दे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, थोड़े ही से ही लेकिन इतने भी कम नहीं है, माशाल्लाह माशा, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसाले या रसूल अल्लाह, जश्न मीलादुन नबी माशाल्लाह। आप इधर तशरीफ, ये इतनी गर्म जगह है, बस अब इतने का दिन जरूरत है, डॉक्टर साहब आ गए, सब हजरात दुरूशी बावाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह हमदन तय्यिबन मुबारकन कसीरन कसीरा, الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم. تمامي أحباب رسول الكائنات فخر موجودا صلى الله عليه وسلم بارگاہ میں
ये अकीदा रख कर के अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे दुरूद को सुनते हैं। माएं बहनें बेटियां कोई जुबान खामोश न रहे क्योंकि वो लजपाल नबी है। तो लजपाल नबी की बारगाह में हम अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ जब निजाना पेश करेंगे तो वो लजपाली तो मैंने जहाँ भी कब्र में भी हजर नबी खवातीन हजरात, ये आज का प्रोग्राम जिसको हफ्तावार जिक्र भी कहते हैं लेकिन आज जिक्र के साथ साथ उस नबी आजम जो सिजदे दो आलम है, जो फख्रे दो आलम है, जो इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा जलवा गरी का ये महीना है। दो तीन रातें बाकी हैं इस माह मुबारक की जिसमें आका की जलवा गरी और जब आका जलवा गर हुए तो कायनात आलम में बहार आ सुभान अल्लाह। तेरे तरीकत रहबर शरीयत महबूबुल उलमा साहबजादा वाला मरतबत अश्शेख मिसबाह मालिक लुकमान भी बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में मेरी हौसला अफजाई फरमा रहे थे और ये इनका खानवादे का तरीका है। अल्लाह इस अदारे को और इस आस्थाने को ता अब्दुल आबाद कैम उदय और जो इनके और हमारे सब के बुजुर्ग हैं उस्तादुल असातिदा यानी क्योंकि ना मैंने एक लफ्ज इनसे पढ़ा है ना मैं उनसे पढ़ा है लेकिन यानी बड़े बड़े और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नबेरा मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती आजम अल्लामा मुफ्ती एजाज वली खान साहब मतलब जिन्होंने मेरी दस्तारबंदी की और उनका इनके साथ किबला मुफ्ती आजम हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मालिक साहब लुकमान भी दामत बरकात कुदसिया उनके साथ बहुत ही प्यार था। तो बहुत से उलमा में इनका आला मकाम है। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में लाफानी नियमत और जब मैं आया तो किबला डॉक्टर अब्दुल रही साहब भी ज्यादा खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का पाक कलाम उसकी तलावत फरमा रहे थे यानी कुरान की तलावत का हक अदा कर रहे थे और रब्बे काबा भी फरमाते हैं कि कुरान को ऐसे पढ़ो कि कुरान तुम्हारे लिए रहमतें लेके आए ना कि इस अंदाज में पढ़ा जाए कि कुरान तुम्हारे लिए लानते भेजे यानी जैसे पढ़ने का हक है बंदा है उसके कवायद और ज़वाबत में कमी तो है लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्म सीखो माँ की गोद से लेके और कब्र की दीवार तक। तो कुरान भी वही है, कुरान तमाम इल्मों का सरदार है। तो जनाब मोहतरमुल मकाम हजरत डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब अनवार मालिक साहब और जनाब मुहतरम जितने भी आप हैं सारे के सारे बच्चा जब नाग बच्चा पीछे में दो महीने बेल्जियम में था तो टाइम का आगा पीछा हो लेकिन मैं इसका प्रोग्राम हमजा का हर रोज बल्कि लोगों को और मेरे पास नौजवान बच्चे छोटे छोटे बैठे और अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत था और वो छोटा सा बच्चा उसने तो कमाल ही कर यानी ये भी याद रखे वहाँ इलम को शौहरत को दौलत को हुस्न जमाल को नहीं देखा जाता वहाँ तो देखा जाए बिलाल कहाँ से आया है। अल्लाह ऐसे बच्चों को ऐसी बेटियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सना खान बनाए और फिर जनाबे लोहार साहब तारक साहब जब भी हो हकीकत बात है जब ये हजरत बीर साहब किबला हैं डॉक्टर साहब हैं तो अल्लाह ताला मुफ्ती साहब किबला को
یعنی قیامت تک اللہ قیامت کی صبح تک اللہ صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے لیکن ظاہر کل من علیہ فان وجبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت یہ تو وقت آنا ہی ہے لیکن جب وہ بزرگ چلے جاتے ہیں تو ان کی شکل میں پھر ان کے نام سمجھا رہے ہیں ایسے ہی